आप सहर न्यूज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ से ख्वाजा मंसूर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ वकला का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया। मोहम्मद यासीन एडवोकेट और मलक खलील एडवोकेट के खिलाफ झूठे मुकदमात का इंदराज, वकला के साथ DPO के नामुनासिब और तोहिन अमेज रवैया, करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ का एहतजाज और धरना चौथे रोज भी जारी है। जुम्मे के रोज सदर डिस्ट्रिक्ट बार अब्दुल कयूम खान दस्ती एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी बार मलक शफीक और रहमान एडवोकेट की क्यादत में वकला ने सेशन कोर्ट से DPO ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और DPO के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। वकला ने DPO मुजफ्फरगढ़ के तबादले का मुतालबा किया। रैली के शुरका से खिताब करते हुए सदर सेक्रेटरी बार और दीगर वकला ने DPO एहसन इकबाल के खिलाफ तकरीरें भी की। उन्होंने DPO के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। चकवाल से फैज़ मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया गया। रैली में रेस्क्यू 1122 के अहलकारों और दीगर शोबाह ज़िंदगी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं, चकवाल में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया गया। रैली में रेस्क्यू 1122 के अहलकारों और दीगर शोबाह ज़िंदगी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रेस्क्यू 1122 स्टेशन पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के तावन से ग्लोबल रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनाकाद किया गया। ट्रेनिंग सेशन में रेस्क्यू 1122 चकवाल के तमाम ड्राइवर्स ने शिरकत की। इंस्पेक्टर इमरान की सरबराही में एजुकेशनल विंग NHMP ने ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी के हवाले से अहम मालूमात और हादसात से महफूज रहने की टेक्निक्स बताई। शुरका से मुखातब होते हुए इंस्पेक्टर इमरान का कहना था कि हम रोज़ाना रोड पर ट्रैफिक हादसात देखते हैं, लेकिन जब तक इनकी वजूहात को ख़त्म करने पर काम नहीं किया जाएगा तब तक रोड को महफूज बनाना मुमकिन नहीं। हो भी जाता है तो उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। सो लुक थिंक एंड एंटीसिपेट स्कोरे लूज कर देती है जी दौरान ड्राइविंग। अक्सर हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, लक की वजह से हम किस्मत की वजह से बचे होते हैं, लेकिन एक दिन वही छोटी गलती हमारे लिए। मैं छोटी सी एग्जाम्पल कोट करता हूँ, ये F1 टोल प्लाजा जो है पेशावर से दुकान वाला, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे हाईएस्ट रोड हमको क्यों फॉरन रश किया, हम पहुँच गए वहाँ पे। उसके बाद हमने लोगों से पूछा यार एक्सीडेंट कैसे हुआ। आप पब्लिक जो होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अंदर अगर 30 लिखा हुआ है स्पीड की, आपने 30 की स्पीड को फॉलो करना है। मैंडेटरी साइंस बोर्ड होते हैं, अगर इनको फॉलो ना किया जाए तो उसमें क्या होगा कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको फाइन का सामना भी करना पड़ सकता है जी। इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड्स होते हैं जी नीले कलर के, मोटरवे पुलिस अपना। सेशन के आखिर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने सेक्टर कमांडर M2 नॉर्थ NHMP आशिक हुसैन चौहान और इंस्पेक्टर इमरान हेड एजुकेशनल विंग NHMP का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 और मोटरवे पुलिस मिलकर महफूज माशरे के क्याम के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये मोटरवे के जो ऑफिसर्स आए हैं इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बिलीव भी मैं दिल से कहता हूँ कि जब से ये पुलिस आई है पुलिस का खौफ इन्होंने ख़त्म किया है। गाड़ी पुल ऑफ की साइड पे खड़ी थी, जाहिर है किसी इंपॉर्टेंट को कॉल थी हमारे आई ऑफिसर्स की। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने कहा मैं जिसकी सुन रहा था वो आप देख लें जरूर, किसका फ़ोन सुन रहा था, जिसके लिए मैंने गाड़ी भी खड़ी थी। तो वो का एक जिसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं, मोटरवे पुलिस ये कर सकती है तो बाकी पुलिस भी कर सकती है। इस मौके पर मुमताज़ अबू बकर, अरसलान अदरीस, तमाम शिफ्ट इंचार्जेस और मीडिया कोऑर्डिनेटर खुरम मंजूर मौजूद थे।